दोस्तों, आपने रत्सासन मूवी तो देखी होंगी। रत्सासन मूवी का तो कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन आज के इस काउंटडाउन में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे साउथ इंडियन मूवीज़ के बारे में जिनकी क्राइम और थ्रिलर स्टोरी आपको सच में माइंड ब्लोइंग लगने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग क्राइम थ्रिलर मूवीज़ हैं आज के हमारे इस काउंटडाउन में जिन्हें रिलीज़ की गई है 2023 में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 8, द टीचर। मूवी बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक टीचर से जिसके ऊपर कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा अत्याचार करते हैं और वो टीचर लास्ट तक उन सभी स्टूडेंट्स से किस तरह बदला लेती है, यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे मूवी में। मूवी को चाहे तो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 7। नंबर 7, इनकार। मूवी बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक लड़की के किडनैपिंग से जिसे कुछ किडनैपर्स एक कार में ले जा रहे होते हैं, लेकिन वो लड़की उस कार से किस तरह सर्वाइव करके बाहर निकलती है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे वेब मूवी में। मूवी फिलहाल अभी थिएटर पर अवेलेबल है, लेकिन इसे बहुत जल्द अमेजोन पर रिलीज कर दी जाएगी और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.7। नंबर 6, 181। मूवी बेस्ड है हॉरर एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक राइटर से जो कि एक रिसॉर्ट में जाकर अपनी कहानी किसी भी तरह से पूरा करना चाहता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि एक नई कहानी लिखना शुरू करता है। लेकिन जैसे ही वो नई कहानी लिखना शुरू करता है, उसका सामना कुछ अजीबोगरीब पैरानॉर्मल एक्टिविटी से होता है और असल में इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के पीछे क्या मिस्ट्री छिपी हुई है, इसी को रिवील करने की कोशिश की जाएगी इस पूरे मूवी में। मूवी को चाहे आप देख सकते हैं YouTube और Amazon Prime Video पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.4। नंबर 5, वसंता मुल्ला। मूवी बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे लवर से जो कि एक मोटेल में जाकर रुकते हैं, लेकिन मोटेल में जाते ही उनके साथ कुछ अजीबोगरीब हादसे होना शुरू हो जाते हैं और लास्ट तक वो दोनों कपल्स उस मोटेल से किस तरह सर्वाइव करते हैं यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे मूवी में। मूवी को चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Prime Video पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.1। नंबर 4, क्रिस्टोफर। मूवी बेस्ड है क्राइम एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करते हैं, यह कंप्लीट मूवी एक्चुअल में एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर के लाइफ को दिखाती है, एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जो कि क्रिमिनल्स को किसी भी तरह से नहीं छोड़ता है और वो उसे वहीं पर ढेर कर देता है बिना किसी कानून के इजाजत लिए, और लास्ट तक क्रिस्टोफर का अंजाम क्या होता है ये जानने के लिए आपको इस मूवी को एक बार जरूर देखना चाहिए। मूवी को चाहे तो आप देख सकते हैं Amazon Prime Video पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.2। नंबर 3, रन बेबी रन। मूवी बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है मेडिकल कॉलेज से जहां पर कॉलेज के छत से अचानक से ही एक लड़की गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है, और कहानी की शुरुआत यहीं से होती है कि असल में उसके छत से गिरने का रीजन क्या है और असल में इसके पीछे क्या मिस्ट्री छिपी हुई है, और कंप्लीट मूवी में इसी मिस्ट्री को रिवील करने की कोशिश की जाएगी। मूवी को चाहे तो आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.4। नंबर 2, द ग्रेट इंडिया किचन। मूवी बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड फैमिली एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो इस मूवी में आप देख पाएंगे कि महिलाएं एक फैमिली में जाकर उस फैमिली को किस तरह अपनाती है, लेकिन वो फैमिली उस महिला को किसी भी तरह से नहीं अपनाता है। मूवी में आप ये भी देख पाएंगे कि एक महिला कितनी सारी मुसीबतों का सामना करती है अपनी फैमिली को ठीक रखने के लिए। मूवी को चाहे तो आप देख सकते हैं Z5 पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6। और लास्ट नंबर 1 पर हम बात करेंगे सिम्बी। मूवी बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। मूवी की स्टोरी की अगर हम बात करें तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है सिम्बी नाम की एक छोटी सी बच्ची से जिसके ऊपर कुछ बदमाश बच्चे अत्याचार कर चुके होते हैं, लेकिन सिम्बी की दादी किसी भी तरह से इस अत्याचार का बदला लेना चाहती है उन सभी बदमाशों से, और वो अपना बदला किस तरह लेती है उन बदमाशों से यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे मूवी में। मूवी को चाहे तो आप देख सकते हैं डिज्नी हॉटस्टार पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.6। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।